गुड मॉर्निंग बच्चों, वे आग है कविता का शेष भाग लेकर मैं उपस्थित हूं आपके सामने दोबारा। उसमें मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, कुरकु ही बर्दों की जोड़ी। अब आगे की पंक्तियां, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। इन पंक्तियों में देखिए कितना दयनीय वर्णन किया है उस किसान का पंत जी ने। वो कहते हैं उजरी, उजरी उसकी गाय का नाम था किसान की का, जो कि उसके दूध देती थी और उसको वो किसान खुद अपने हाथों से धोता था। तो यहां पर वो कहता है कि वो मेरी उजरी, गोरी चिट्टी सफेद गाय थी जिसको प्यार से वो उजरी बोला करता था, कि वो उसके सिवा और किसी को अपने पास दूध दुहने नहीं आने देती थी। जानवरों में भी एक खासियत होती है कि जो लोग उनकी सेवा करते हैं या उनके करीब रहते हैं वो उन्हीं को अपने करीब आने देते हैं, वरना तो हर एक कोई दूध नहीं दूह सकता उसका। तो यहां किसान कहता है कि उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। अरे मेरी उजरी गाय जो कि केवल उस किसान के अलावा और किसी को अपने पास दूध दुहने नहीं आने देती थी, मजबूरी के कारण कर्जा चुकाने के लिए उस किसान को उस गाय को भी बेचना पड़ा। उसके बाद में अभी उसके दुखों का अंत नहीं हुआ था, आगे और भी दुख थे। आंखों में नाचा करती, यहां पर वो बहुत ही ज्यादा व्यथित होता है, दुखी होता है, सोचता है कि आज भी मेरी आंखों के आगे नाचा करती है उजड़ गई जो सुख की खेती, यानी जो मेरी सुख भरी खेती उजड़ गई। सुख की खेती से तात्पर्य उसके लहराते हुए खेत, उसके घर द्वार, उसके बैल, उसकी गाय, ये सब उसके लिए सुख की समृद्धि की के सूचक थे। वो उसकी आंखों में आज भी बार बार नाचा करते हैं, बार बार उसको वो दृश्य याद आते हैं कि मैं कितना स्वाभिमानी था, मेरे पास सब कुछ था, मेरे घर द्वार बिक गए, मेरी गाय बिक गई जो कि केवल मेरे सिवा और किसी को अपना दूध दुहने की इजाजत नहीं देती थी। आज भी मेरी आंखों में मेरी उजड़ी हुई खेती का दृश्य सामने नाचता रहता है। देखिए यहां पर शेष सौंदर्य में इन चार पंक्तियों का बता रही हूं, उसके बाद आगे की पंक्तियां पढ़ूंगी। इनमें आंखों में नाचना एक मुहावरा है जिसका सटीक प्रयोग किया है कवि ने, और भाषा संस्कृत निष्ठ है और समझ में आने योग्य है। उसके अतिरिक्त इसमें ग्रामीण परिवेश साकार होता है, क्योंकि गांव में लोगों के पास यही सारी संपत्ति होती है। तो यहां पर जो किसान है उसके बारे में बार बार ये दृश्य बिंब है कि उसकी आंखों के सामने बार बार चित्रित हो उठती हैं वो चीजें जिन्होंने की उसके सुख में वृद्धि की थी, यानी जो उसको सुखी बना रही थी। आज उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो गहन अंधकार में उसकी आंखें डूबी हुई हैं और वो बड़ी दयनीय अवस्था में बैठा हुआ है। यहां करुण रस है आपका और किसान की बहुत ही ज्यादा दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। इसमें आप आगे सुनिए, बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया दो दिन बाद गई मर। देखिए यहां पर आपने देखा दवा दर्पण भी, दवा वगैरह करना, दवा देना। घरनी का अर्थ यहां पत्नी से है, स्वर्ग उसका अपभ्रंश है, उसका मतलब है स्वर्ग। दुधमी मीन्स दूध पीने वाला बच्चा जो अन्न नहीं खाता, यानी गोद का बच्चा। उसके अतिरिक्त इसमें उन्होंने कितनी किसान के जो दुख थे उनका भी अंत नहीं हुआ था, उसके दुखों का उन्होंने इतना असीम वर्णन किया है, इतना कारुणिक वर्णन किया है कि पढ़ने वालों की भी आंखें सजल हो जाएंगी। यहां वो कहता है कि किसान की पत्नी बीमार हो गई, उसके पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा पाता, उसको दवा दिलवा पाता। तो यहां वो कहता है कवि कि बिना दवा के ही उस
उसकी पत्नी तड़प तड़प के मर गई क्योंकि उसको पर्याप्त इलाज नहीं मिला, उसको चिकित्सा नहीं करवा पाया वो, इसलिए उसकी पत्नी बिना दवा के मर गई। स्वर्ग चली आंखें आती भर, जो भी मरता है उसको स्वर्गवासी ही कहा जाता है, नरकवासी तो किसी को बोलते नहीं है, क्योंकि पत्नी थी, स्वर्ग चली गई यानी मर गई। आज उसको सोच करके उस किसान की आंखें बार बार भर आती हैं, गीली हो जाती हैं, सजल हो जाती हैं, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दूध में, अब उसकी छोटी सी बच्ची थी जो कि दूध पीती बच्ची थी, मां का दूध पीती थी, तो अब जब पत्नी मर गई तो उस बच्ची की देखरेख कौन करता, तो उसकी बिना देखरेख के, बिना मां के वो बच्ची भी उसकी दो दिन के बाद मर गई। अब आप देखिए इससे ज्यादा बुरी दशा क्या हो सकती है, इससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है कि उसका सब कुछ तो उजड़ ही गया, सब कुछ बिक गया, सब कुछ चला गया, वो कर्जा चुकाने के लिए, और कर्जा भी चुकाने ही, और उससे जो परिणति हुई उसके घर में दुख की इस पराकाष्ठा से, उसकी पत्नी जो थी बिना दवा के चली गई, स्वर्ग चली गई यानी मर गई, और दूध पीती बच्ची अपनी मां के मरने के दो दिन के बाद ही मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति कहते। किसान के घर में जो उसका जवान बेटा मर गया उसकी पत्नी थी यानी उसकी पुत्र वधु, पतोहू का मतलब है पुत्र वधु, और लक्ष्मी से तात्पर्य उसका अपभ्रंश है लक्ष्मी से आप कह सकते हैं, घातिन माने मारने वाली। आपने एक चीज देखी होगी कि अगर पत्नी या कोई लड़की शादियों के घर में आए और अगर उस परिवार में जिसमें नई बहू आई हो आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, कोई अचानक से कोई बुरी बात हो जाए, तो लोग बाग ये समाज ऐसा है कि उसके ऊपर दोषारोपण कर दिया जाता है कि इसके घर में आते ही ऐसा हुआ। हालांकि पुत्रवधु थी, लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के समान माना गया है। तो यहां वो कहता है कि घर में विधवा रही पतोहू, और जो लक्ष्मी जैसी उसकी पुत्रवधु वो विधवा हो गई क्योंकि उसका बेटा मर गया। कोतवाल पुलिस वालों की छवि, सबकी नहीं कुछ लोगों की छवि बहुत ज्यादा खराब रही है। कोतवाल ने उसको पकड़ के मंगवा लिया और उसके ऊपर पति के मारने का आरोप लगाया गया। ये कहा गया कि वो ही अपने पति की मृत्यु की हत्या की जिम्मेदार है। कोतवाल ने उसको बुलाकर उसकी इज्जत खराब की, इस दुख को वो सहन नहीं कर पाई और कुएं में कूदकर एक दिन वो मर गई, उसने जान दे दी। इससे भी ज्यादा दशा क्या हो सकती है कि कोतवाल ने उसे बुलाया, उसकी बेइज्जती की और इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई क्योंकि कोतवाल का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो खुद ही कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दे दी लोकलाज के डर से। तो यहां किसान को वो घटनाएं जब भी याद आती हैं तो उसका कलेजा मुंह को आता है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप देखिए कितना दयनीय चित्रण किया है, कितना दयनीय दशा दिखाई है उसकी। पुलिस के अत्याचारों का भी उन्होंने यहां पर थोड़ा सा वर्णन किया है कि पुलिस किसी के दुख से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें अपने मतलब से मतलब होता है, कितने अत्याचार करते हैं पुलिस वाले कभी कभी, जबकि पुलिस वालों को जनता की भलाई के लिए रखा जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है, लेकिन वो अधिकतर तो अत्याचार ही करते हैं। उसने उसकी पुत्र वधु के साथ गलत किया इसलिए वो कुएं में कूद के मर गई। तो इन पंक्तियों से आपने देखा कि इसमें किसान की गरीबी, शोषण और लाचारी का कितना सजीव वर्णन किया है उन्होंने। आंखें भर आना मुहावरा है, उसका सार्थक प्रयोग हुआ है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग भाषा में यत्र तत्र किया गया है, इससे भाषा बड़ी स्वाभाविक सी हो गई है। अनुप्रास अलंकार है, दवा दर्पण, दो दिन, मैं मरी आदि शब्दों में मां वर्ण की आवृत्ति होने के कारण
इधर दा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इनमें अनुप्रास अलंकार है। और पति की हत्या के बाद पत्नी के पति या नारी के प्रति समाज का दृष्टिकोण कितना कटु होता है, कितना कठोर होता है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। समाज के एक दृष्टिकोण का खाका खींचा गया है। खड़ी बोली है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। और उसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और, पुलिस के अत्याचार का वर्णन किया है। यह था आपका शिल्प सौंदर्य। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूं, यानी ये भाव मैंने आपको बता दिया इन पंक्तियों का। अब मैं आपको प्रश्न दे रही हूं, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न लिख लीजिए और उसके बाद में फिर सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न लिखेंगे, फिर आगे की कविता पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, किसान की पत्नी व बच्ची की मृत्यु का क्या कारण था? क्वेश्चन नंबर टू लिख लीजिए, किसान की पतोहू ने पुत्रवधू ने आत्महत्या क्यों की? नंबर तीसरा क्वेश्चन है, वो ले लीजिए, उजली कौन थी? किसान से इतना क्यों याद करता है? ये थे आपके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, यानी आप लोग घर से करके लिखेंगे, घर से लिखेंगे मतलब सोच समझ के लिखेंगे, जो भाव मैंने बताया उसके अनुरूप। अब मैं आपको दे रही हूं सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न, वो आप लिख लीजिए। आपकी पत्नियां रहेगी बिना दवा दर्पण, मरी एक दिन, इन पंक्तियों में क्वेश्चन नंबर वन आप लिखिए, भाव सुंदर स्पष्ट कीजिए। दूसरा शिल्प सौंदर्य पर विभाग आता है, शिल्प सौंदर्य कब पर प्रकार डाले, ये दो प्रश्न आपके सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न हैं, इन्हें आप लोग लिखेंगे,
आराम से लिख लेंगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अब आगे की पंक्तियां देख लीजिए, आगे की पंक्तियों में इस कविता में 6 पंक्तियां और मात्र रह गई हैं, उन्हें देख लीजिए। मैं पढ़ रही हूं पंक्तियां। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लोटते फटती छाती। खैर पैर की जूती जोरू, देखिए यहां पर भी उन्होंने समाज का एक दृष्टिकोण बताया है कि समाज में अब तो नहीं लेकिन पुराने समय में औरत को पैर की जूती के समान समझा जाता था। अरे क्या फर्क पड़ता है, एक घिसके ही दूसरी आ जाएगी। औरत की कोई इतनी ज्यादा खास महत्व नहीं था समाज में, एक मर गई दूसरी ले आएंगे, एक जूता पट गया दूसरा आ जाएगा। तो उन्होंने औरत की स्थिति जूती के समान बताई है यहां पर, जो कि सर्वथा अनुचित है, लेकिन उन्होंने समाज का नजरिया बताया है, समाज का दृष्टिकोण बताया है। खैर चलो कोई बात नहीं, पुत्रवधू मर गई पैर की जूती के समान थी, ना सही एक दूसरी आ जाती। अरे लड़का जिंदा होता तो जोरू मर गई पत्नी मर गई कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नहीं सही दूसरी आ जाती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लोटते फटती चाहती। लेकिन जवान लड़के की याद कर करके, सुध कर मींस याद कर करके, आज भी किसान की छाती फटने लगती है। छाती फटना मतलब असीम दुख की अनुभूति होना, अत्यधिक दुख होना, तो उसकी आज भी छाती फटती है और आज भी उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं, यानी वो पूरी तरह से इस समाज से बदला लेने के लिए आतुर हो जाता है और असीम दुख से व्यथित हो जाता है। वो बेटे की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी है, उसका उसके असहनीय कष्ट है। अब इन पंक्तियों का मैंने आपको बता दिया। आगे पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। यहां पर कवि कहता है कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में, जब वो पिछले सुख को याद करता है कि मेरा बेटा था, मेरी बेटे की बहू थी, मेरी बिटिया थी, मेरी पत्नी थी, मेरी गाय थी, मेरे खेत थे, मेरे बैल थे, घर था, ये सारी चीजें जब याद करता है ना, तो उसकी याद जो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए, एक पल के लिए हल्की सी चमक ला देती है। ये अनुभूति हम लोगों को भी होती है। हम भी जब अपने पुराने किसी अतीत के ख्यालों में खोए होते हैं और उसमें बड़ी अच्छी सी यादों को याद कर रहे होते हैं, तो पल भर के लिए हमारा चेहरा एकदम चमक सा जाता है, लगता है कि जैसे उसी समय में पहुंच गया। तो इसी प्रकार से अतीत में गुजारे हुए सुख के दिन उसकी आंखों में थोड़ी सी देर के लिए चमक ला देते हैं, लेकिन जैसे ही उसको एहसास होता है, जैसे ही वो सच्चाई की धरातल पर आता है कि आज मेरे पास क्या है, उस समय वही नजर जो उसको थोड़ी सी देर के लिए खुशी प्रदान करने आई थी, वही नजर उसकी शून्य में अटक जाती है, यानी उसको लगता है कि अब तो सब कुछ खाली है, और वो नजर उसकी तीखी नोक के समान, सदृश मीन्स के समान, जैसे तीखी नोक होती है किसी की जो आंखों में गड़ती है, यानी अत्यधिक आंखों में गड़ना तीखी नोक का, अत्यधिक कष्ट को सहन करना, इसका प्रतीक है। तो यहां पर वो कहता है कि वही नजर जब हम, जब वो किसान एकदम सच्चाई की धरातल पर उतरता है, यादों से निकलता है, तो उसकी वही नजर जो उसको क्षण भर के लिए सुख देने आई थी, वो एक तीखी नोक के समान बच जाती है और उसकी आंखों में गड़ने लगती है। तो आपने इस तरह से देखा कि किसान की कारुणिक दशा का कितना उत्तम वर्णन पंत जी ने किया है। उन्होंने इसका कथानक हमारे समाज के बीच से ही लिया है, क्योंकि किसान के साथ तो ये होता आया है। किसान जो कि अन्न उगाता है, सबका पेट भरता है, कितनी मेहनत से करता है खेतों में, लेकिन उसके साथ कभी रियायत नहीं की जाती है। वर्षों से
पुराने समय से प्राचीन समय से उसके ऊपर तरह तरह के अत्याचार और शोषण किए जाते रहे हैं। इसी बात को अपनी कविता का मुख्य बिंदु बनाकर उन्होंने अपनी कविता की रचना कर डाली। इस कविता में आपने पढ़ के देखा कि उन्होंने किसान की करुण अवस्था का इतना दयनीय वर्णन किया है कि पाठकों की नेत्र भी सजल हो जाते हैं इसके भाव सुन करके, और लगता है जैसे सारे दृश्य हमारी आंखों के सामने चल रहे हैं। इसका शिल्प सौंदर्य मैं आपको बताती हूँ। भाषा तो वही रहेगी, खड़ी बोली है, संस्कृत में शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, यानी लोक प्रचलित भाषा का भी प्रयोग किया गया है। सांप लौटते पटती छाती, ये आपके मुहावरे हैं, पैर की जूती, इन मुहावरों का बड़ा ही सजीव प्रयोग किया है। इससे भाषा में एक तारतम्य बना हुआ है, एक दुख की अनुभूति और ज्यादा तीव्र होने लगती है। उसके अतिरिक्त तीखी नोक सदृश, मैंने आपको बताया था किसी में भी किसी चीज को किसी के समान माना जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, तो तीखी नोक के समान, तीखी नोक सदृश इस जगह पर, इस स्थान पर आपका उपमा अलंकार है। और ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है कि गांव में किसानों के साथ पहले भी क्या होता था। उसके अतिरिक्त करुण रस का प्रयोग किया, यहाँ पर करुण रस है पूरी कविता में, बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट वर्णन किया है पंछी ने। और सामाजिक बुराइयों को उन्होंने यहाँ पर उकेरा है, उसको उजागर किया है कि किस तरह से पहले के लोग औरत के ही ऊपर सारा इल्जाम ठोक देते थे। घर में कोई भी बात हो, पति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उसमें पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। हालांकि ये अनुचित है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ठहराया जाता था। और पैर की जूती कहा गया है औरत के लिए, ये एक पुरुष प्रधान समाज को इंगित करती है। तुलसीदास जी ने भी एक जगह लिखा है कि ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी ये सब पीटने के अधिकारी होते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कहां तक है नहीं समझ पाते। औरत की दुर्दशा का भी चित्र उन्होंने यहां पर खींचा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस कविता का जो भाव है वो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। यहाँ पर शिल्प सौंदर्य मैंने आपको बताई दिया, अभी आपकी कविता समाप्त हो गई, मैं इसके कुछ प्रश्न आपको लिख के दे रही हूँ। तो पहले आप अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न लिख लीजिए। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न मैं आपको लिख रही हूँ, उनके आप उत्तर लिख लेना। पहला क्वेश्चन है, पैर की जूती किसे कहा गया है? इससे क्या सिद्ध होता है? क्वेश्चन नंबर टू लिख दीजिए, वास्तविकता का आभास होने पर किसान को क्या अनुभव होता है? क्या अनुभव होता है? क्वेश्चन नंबर तीन है आपका, किसान की आंखों में चमक आने का कारण बताइए।
ये प्रश्न आपके आचार संबंधी प्रश्न है। अब मैं आपको शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न दे रही हूं। ये लिखा है ऊपर पहला प्रश्न है पंक्तियों में आए मुहावरे मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर टू रस और अलंकार योजना पर प्रकाश डालें। ये दो प्रश्न आप सौंदर्य बोध प्रश्न करके लाएंगे तो आज की आपकी कविता यहीं पर समाप्त होती है। वे आंखें मैंने आपको पढ़ा दी है और इसके पीछे जो पुस्तक में आपकी पुस्तिका में जो पीछे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के भी उत्तर आप लोग खुद ही लिखेंगे, स्वयं से लिखेंगे, बाद में जांचने के लिए भेज सकते हैं कॉपी, हम बता देंगे आपको कि इसमें कौन से सही है गलत। धन्यवाद बच्चों।